हेलो वुमेन एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू केमेंटेक। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं आपको एलन की जो है नर्चर बैच जो होती है क्लास 10 to 11th मूवी के स्टूडेंट के लिए होती थी, वो कौन सी बैच अभी स्टार्ट होने वाली है हाल फिलहाल में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम लैप्स के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नर्चर बैच किसके लिए है। तो ये नर्चर बैच जो है वो क्लास 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए होता है, जिनका जो है टारगेट नीट 2025 होगा, यानी कि जो लोग प्री मेडिकल नीट 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बैच है। अब हम बात करके इसका एडमिशन मोड क्या है। तो देखिए, इसका एडमिशन मोड जो है वो डायरेक्ट भी है और टैलेंटेक्स के थ्रू भी है और एसेट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें। अब हम बात करें कि इसके कौन से फेज अभी स्टार्ट हो रही थी। देखिए, अभी फेज जो है सो 5 फेज स्टार्ट हो रही है, 4 फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहा है। ये फेज 5 है। अब हम बात करें कि इसका जो है मीडियम क्या रहने वाला है। इसका मीडियम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो दोनों बैच की जो है अलग अलग सेपरेट क्लासेस लगेगी, दोनों मीडियम वालों की, हिंदी वालों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग। अब हम बात करें कि इसका जो है कोर्स कोड क्या है। तो देखिए, इसका कोर्स कोड जो होता है वो फॉर्म फिल करने के लिए होता है आपको, तो इसका कोर्स कोड जो है वो 303005। अब हम बात करें कि इसकी क्लास कब स्टार्ट होगी, यानी इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है। तो इसकी कमेंसमेंट डेट जो है वो है 9 जून 2023, यानी 9 जून 2023 से जो है आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ फी डिपोजिशन की। तो देखिए, फी डिपोजिशन अगर आप इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लमसम, यानी कि जो लोग वन टाइम फी पे करते हैं उसको यहाँ पे लमसम बोला जाता है। तो लास्ट डेट ऑफ लमसम और लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो जो है सो है आपको 7th जून 2023, यानी एडमिशन लेने की लास्ट डेट यही है, लेकिन आप 9th जून 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं या उसके आगे भी कुछ दिन तक ले सकते हैं अगर सीटें खाली रही तो। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आप जमा करेंगे फी की। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो लोग इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे उनको जो है सो 23 जुलाई 2023 तक आपको जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करना होगा। अब हम बात करें कि जो लोग रिफंड लेंगे तो उनको रिफंड लेने की अप्लाई करने की डेट क्या है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई रिफंड जो है सो फर्स्ट रिफंड की डेट है वो है 23rd जून 2023। लास्ट डेट टू अप्लाई रिफंड सेकेंड लास्ट रिफंड जो है, यानी सेकेंड रिफंड जिसको हम लोग बोलेंगे, तो वो जो है सो 8 जुलाई 2023 है, यानी कि 8 जुलाई 2023 तक आप रिफंड ले सकते हैं। अब हम बात करें कि इसकी क्लासेज कहाँ लगेगी, इसके क्लासरूम सेंटर कहाँ है। तो इसकी क्लासरूम सेंटर कोड जो दिया गया है वो है आपका 1015, यानी कि 1015। तो 1015 का मतलब क्या होता है, 1015 का मतलब हुआ कि आपकी क्लासेज जो है सो संज्ञान 2, समयक 2, लैंडमार्क सिटी, कुन्हाड़ी में लगेगी, यहाँ जो है सो आपकी क्लासेज लगेगी। अब जो है सो इसकी हम फी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी फी जो है अगर आप वन टाइप पे करते हैं तो 1,27,000 है। अगर फुल फी की बात करें, यानी टोटल फी जो है सो 1,33,000 है, यानी 6,000 का आपको रिवेट दिया जाता है अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो। और इंस्टॉलमेंट में बात की तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 86,000 का रहने वाला है और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 47,000 का रहने वाला है। अब हम बात करें कि जो लोग रिफंड लेंगे तो उनकी अमाउंट कितना डिडक्ट होगी। तो अमाउंट डिडक्टेबल इन रिफंड, तो फर्स्ट रिफंड लेने की जो डेट है उसमें 17,500 रुपीज़ डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ मनी आपके अकाउंट में क्रिएट कर दिए जाएंगे, और लास्ट रिफंड लेने की जो डेट है उसमें जो है 35,000 रुपीज़ डेबिट करके रेस्ट ऑफ मनी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए जो है आपको मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इसको जो है आप जूम करके देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठोगे उसके बगल में उसका कोड दिया गया है और उसके बगल में उसका परसेंटेज है, उतना परसेंट आपको लेस करके फी का जो है चालान बना दिया जाएगा, उतना फी कम आपको जो है पे करना पड़ेगा। तो भाई, इस वीडियो में मैंने जो है एलन की नर्चर प्री मेडिकल की जो बैच है रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें बता दी। फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया की साइट्स के लिए लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर के डीएम कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।